हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंडियन किचन। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। आप इसे मल्टी लेयर्ड पराठा भी कह सकते हैं। और देखिए कितने सुंदर इसके लेयर्स आए हैं। और इसको बेस्ट सर्व करने का तरीका है, जब ये गरम गरम आप तवे से उतारें, कोई भी टिश्यू आप लेके या कोई किचन टॉवल यूज़ करके इसे ऐसे फोल्ड करके इसे सर्व करें। इससे क्या है कि सारे लेयर्स बहुत ही सुंदर दिखते हैं और इतने क्रिस्पी ये बना है। आप इसको बटर के साथ भी, विदाउट एनी सब्जी भी बहुत ही यम्मी लगेगा बटर के साथ भी खाने के लिए। और अगर आप इसको मल्टी कोई भी वेजिटेबल्स की सब्जी बना के भी सर्व कर सकते हैं, और पनीर के साथ भी, सब्जी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पनीर की गरम गरम सब्जी बनाएं, इसे सर्व करें और खूब मजे करें। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं 3 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका ये पराठा बहुत ही ज़्यादा लेयर्स और क्रिस्पी बनेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। इसमें हम 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब 2 चम्मच, बड़े चम्मच आप तेल का इस्तेमाल करें और घी आप 1 चम्मच इस्तेमाल करें। साथ में डलेगा थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काला जीरा कलौंजी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूंदेंगे। पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। घी, नमक और कलौंजी को हम मिक्स कर लेंगे आटे में, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक नरम आटा गूंदेंगे। मैदे को हम जितना अच्छी तरह से जोर से गूंदते हैं उतना ही नरम होती हैं परांठे। आप इसे आटे के भी बना सकते हैं, पर आटे में जो है वो स्ट्रेच होने की जो वो होती है प्रॉपर्टी नहीं होती है, उससे परांठे जो है वो मैदे में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। पर आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा आटा और आधा मैदा लेके भी आप बना सकते हैं, उससे थोड़ा सा मोयन आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इससे हम 20 से 25 मिनट तक ऐसे ढक के रखेंगे इस आटे को सेट होने के लिए। तो सबसे पहली टिप जो है वो मैं बोलूँगी कि आप इसको बेलते वक्त कॉर्नफ्लावर का यूज़ करें और मैदे का नहीं। मैदे का हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम उसके लेयर्स बना के उसके बाद जब हम बेलेंगे पराठे को, तब हम मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए नरम हो चुका है, इसके हम पेड़े बनाते हैं। तो लगभग 4 बड़े पराठे होंगे और एक छोटा पराठा। तो 2 कटोरी मैदा मैंने लिया था, कम से कम 250 ग्राम था। तो हम इसके पेड़े बनाएंगे और उसके बाद हम इसे बेलेंगे, एक पतली रोटी की तरह हम इसे बेलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें, आप इसे एक एक पेड़े को बहुत ही पतली रोटी के बराबर आप इसे पतला बेलें, और किचन के जो स्लैब है उसके ऊपर आप जब बेलते हैं तो काफ़ी सफिशिएंट स्पेस मिलती है हमको इसको अच्छी तरह से पतला बेलने के लिए। तो आप उसे इस तरह से आप बेलेंगे तो आपको कन्वीनियंट होगा। तो इसे हम पतला सा बेल लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे घी। घी से हम ब्रश कर लेंगे पूरा सरफेस, जो हम रोटी बना रहे हैं पतली सी रोटी बनाएंगे। देखिए ये तैयार हो चुकी है, और उसके ऊपर हम देंगे घी का एक पूरा लेयर। हम ब्रश कर देंगे इसके ऊपर, पूरे सरफेस के ऊपर, रोटी के सरफेस के ऊपर हम पूरा घी ब्रश से लगाएंगे। उसके ऊपर हम छिड़केंगे ये
कॉर्नफ्लावर और उसे भी थोड़ा ब्रश से एकदम पूरा लेयर देंगे, थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे और उसके ऊपर घी के ऊपर जो हमने घी का लेयर लगाया हुआ है उसके ऊपर हम कॉर्नफ्लावर छिड़क के उसको भी ब्रश से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम रोटी को फोल्ड करके सेमी सर्कल में उसको फिर फोल्ड करेंगे सर्कुलर, उसे देखिए इस तरह से रोटी को सेमी सर्कल बना लेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से रोल करेंगे। क्योंकि ये मैदा है और इसके अंदर मोयन सफिशिएंट हो गया है तो हम इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, देखिए तो इससे आपके लेयर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसे हम स्ट्रेच करते हुए यूं ही दबाते हुए हम इसे इसके ऊपर भी घी लगाएंगे ब्रश से। तो दोस्तों ये तीन टिप मैं शेयर करूंगी जिससे आपका लच्छा पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेयर्स वाला बनेगा। तो इसके ऊपर फिर से हम कॉर्नफ्लावर का छिड़केंगे पाउडर और उसके ऊपर हम फिर ब्रश से इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी तरीके से हम अब इसको एक साइड से रोल करते हुए दूसरे साइड तक पहुँचेंगे। ऐसे रोल करते हुए हम एक पेड़ा को रेडी कर लेंगे और इसी तरीके से हम चारों पराठे देखिए इस तरह से लेयर्स आ जाएंगे। और जब हम कॉर्नफ्लावर का पाउडर यूज़ करते हैं या अरारोट पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से हम सारे लच्छा पराठे के पेड़े बना लेंगे। घी के ऊपर सरफेस के ऊपर घी लगा के ब्रश लगा के इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे सरफेस पे। इस तरह से हमारे बन गए हैं। अब तीसरा टिप ये है, जब आप बने हुए पेड़ों के लच्छे वाले पेड़े के ऊपर जब बेलेंगे तो आप एकदम ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, हल्का हल्का हम रोटी जैसे पराठे को बेलेंगे, हल्के से जोर नहीं देंगे, हल्के से हम पराठे को बेलेंगे। ये तीसरा टिप है। तो आपको कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है, घी का इस्तेमाल करें तो खस्ता होगा और कन्वीनियंट भी होगा आपको बनाने के लिए। तेल से थोड़ा सा ज़्यादा लिगलिगा हो जाता है बहुत ही, तो इसलिए लूज टाइप का हो जाता है। तो अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। पहले आप घी या तेल ना इस्तेमाल करें, अभी ऊपर और आगे और पीछे दोनों से हम सेक लेंगे। और उसके बाद अब देखिए लेयर्स अपने आप ही अंदर, क्योंकि घी है तो वो अपने आप ही वो लेयर्स खुल रहे हैं और उसके ऊपर हम घी फिर लगाएंगे। आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देखिए कितना क्रिस्पी बनेगा और लेयर्स बहुत ही इसकी सुंदर दिखेंगी। तो फ्रेंड्स आप तीन ये टिप्स ज़रूर से फॉलो कीजिएगा तो आपका लच्छा पराठा बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगा। और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही बना के पेड़े को बेल के आगे पीछे सेक के आप इसे कम से कम 7 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में ना रखें, फ्रीज़र में नीचे आप उसको बंद करके किसी भी आप पैकेट में उसको रख सकते हैं एयर टाइट करके। तो देखिए हमारा लच्छा पराठा तैयार है और इसे हम जिस तरह से मैंने बताया कि आप टिश्यू ले लें, गरम होता है पराठा तो आप टिश्यू ले लें और उसे अच्छी तरह से इस तरह से क्रश अप करके सर्व करें मक्खन डाल के, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। So friends, do take good care of yourself. Thanks for watching my video. Bye-bye.